बात है जिसकी तीनों फॉर्म क्या है? सेम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रीड हुआ ये चेंज नहीं हुआ, दिस बुक इज रीड बाय मी, ठीक है, समझ गए? यस मैम। चलो आप आओ बेटा इसको एक्सप्लेन। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में डूअर प्रेजेंट होता है, जैसे घर पे काम हो रहा है, जो कर रहा है वो प्रेजेंट हो, और पैसिव वॉइस में डूअर एब्सेंट होता है, यानी कि जो काम कर रहा है वो ना हो। जैसे खाना बन चुका है तो उसमें जो कर रहा है वो नहीं है। और एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से शुरू होता है, कर्ता से शुरू होता है, जैसे, और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। इसमें एक्टिव वॉइस में जैसे यहाँ पे लिखा आई डेली रीड दिस बुक, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, और यहाँ पे ये जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया गया है, तो दिस बुक इज रीड डेली बाई मी। तो इसका मतलब हुआ कि हम इससे एक्टिव वॉइस जो है वो सब्जेक्ट से शुरू करते हैं और पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। थैंक यू।